कपूरथला विखे न्यू खालसा बेकरी का शटर तोड़ के चोरों ने गले चो सवा लख रुपए की कीती चोरी। दुकानदार मालिक ने सीसीटीवी फुटेज दिखाई। अद्धी रात नूं चोरों ने अंजाम दिता चोरी नूं। कपूरथला तो गौरव मड़िया की रिपोर्ट, लाइव भारत। मैं तो रूटीन च रोज इन्हां के सवेरे सवेरे समान लैन आना वा, तो जो हुण आया तो पता लगा कि इन्हां दी दुकान दे शटर दे टाले टुटे पए आ। खालसा बैकरी जिहड़ी मेन शहर की एक बहुत वड्डी बैकरी है और बिल्कुल मेन चौंक दे विच आ और रोड दे विच आ, हर वेले रोड चलता आ, लोगों का आना जाना तकरीबन लगा रहिंदा आ। माल रोड दे उत्ते खालसा बैकरी जिहड़ी है, इहदे विच जिहड़ी चोरी होई है शटर भन्न के और कैश जिहड़ा सी इहनां दा सारा ही उह कढ के लै गए आ। ते देखो शहर दे विच इन्नी भरमार बन गई आ वी आ चोरियां, नित चोरियां, कदी घरां 'च चोरियां, कदी दुकानां 'ते चोरियां, कदी किसी का शटर भन लिया, कदी किसी का मोटरसाइकिल चक लिया, कदी किसी की गड्डी चक ली, कदी गड्डी दे विचों लैपटॉप चक लिया, कदी दुकाना भन के इहदे विच चोरी कर ली। शहर दे विच चोरां दी इन्नी कु ज़्यादा भरमार हो चुकी है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, ना पुलिस कुछ कर रही है। पुलिस प्रशासन नूं चाहिए कि पूरे नाकाबंदी करके सारे सीसीटीवी कैमरे चैक करके इन्हां बिल्कुल निरैखी जी, क्योंकि रात का पहरा होना चाहिए, रात को पहरा महल्लों में भी चाहिए, रात का पहरा चौंकों में भी चाहिए। देखो इतों सारी दुनिया लंघती है, इतने पब्लिक लंघती है, पब्लिक ने जो सुख ही नहीं अज मैं उही तो कह रहा वा, जिन्ना रश आ रश का तो प्रबंध होना चाहिए पूरा प्रशासन को। इस करके चाहते हैं भी शहर के योजा प्रबंध हो कि आड़िया चोरिया हो रही, लोगों का नुकसान हो रहा है, प्रशासन को चाहिए, पुलिस को चाहिए पूरी मतैशी वरतन, ता ही कम सूत आएगा, क्योंकि चोर तो इन्ने ज़्यादा हो गए आ। चोरों पर कंट्रोल किया जाए, नथ पाई जाए और इन्हों जेल सुटिया जाए, इस करके सारे शहर में ता ही सुख मिल सकता है। दुकाना दिया चोरिया रुक जाएगियाँ, मोटरसाइकिल रुक जाएंगे, हर चीज़ रुक जूगी। सो मैं प्रशासन को बेनती करदा कि जिहड़ा ये बहुत वड्डा नुकसान होया आ, इहदी भरपाई तां तुसीं नहीं करनी, करनी तो चोरां ने आ, और जल्दी तो जल्दी चोर फट के उन्हां को रिकवरी की जाए। दमनदीप सिंह, चोरी हुई तुहाडे सामने, असीं तां यही कहांगे भी बंदे फट के जल्दी तो जल्दी सानू उहदा तकरीबन कैश ही सीगा जी। वो बंदे आए जिदा कैमरे दे विच आ रहा वा, असीं हुण अंदर आए हाँ, मैनूं लगता नहीं कि बाकी कोई समान नूं असीं हाथ लगाया, उन्होंने कैश ही जिन्ना सीगा, कैश तो हाँ जी कैश का टारगेट 1.25 लाख रुपए तकरीबन। बंदे तीन सीगे जी, एक बंदा अंदर आया, दो बाहर खड़े हुए मोटरसाइकिल दे सीगे, ते बाकी अपने पूरे शहर दे विच कैमरे लगे हुए जी, जो पुलिस प्रशासन चाहे तो मिनट तो पहला पता लग सकता जी। सर हाँ गल पता की होंगी, जो एक चीज़ थोड़ी जी देर बाद धुंधली हो जाती है, असं भी जो पिछले चोरिया हुई असं एक बंद ड्यूटी लाई भी, तू इतने दुकान के बाहर ही रात ही सोया करना, वो कुदरती जिदा अज त्यौहार का दिन सीगा करवा चौथ करके रश सीगा, मैं उन्होंने कहा भी तू रात ना आई, तू सवेरे आ जाई, वो सिर्फ कल का दिन ही वो बंदा नहीं आया, साडा अपना परसनल बंदा रखा था, उदा बकायदा पुलिस टीम PCR इतने ड्यूटी होंगी जी, इस कपूर अपने इस चौंक तो अलावा होर कि कपूरथले शहर के चौंक आ भी जिन्होंने मेन चौंक कहो, शहर के मेन माल रोड के उत्ते जो चोरी हुई है जी, खालसा बैकरी के उत्ते जी, की प्रशासन की कहने चाहते हैं, प्रशासन नलैकियां नहीं, प्रशासन दलो नलैकियां तो है, प्रशासन द शाबाशी भी होएगी जी, वो बंदे फड़ के तो सानू, मैं तो तुहानू पहला कहा जी भी कपूरथला शहर का इस तो मेन चौंक कोई नहीं हो सकता, ठीक है जी, बाकी इतने PCR टीम की ड्यू रात की ड्यूटी होंगी है, उन्होंने बिल्कुल 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 जी, असी जो उ चोरी हुई असी उदों ही इतने बंद अपॉइंट करता भी तू भाई रात में इतने तेरी पक्की ड्यूटी है, ये 3 बजे तो लैके 3:30 के दरम्यान सारा काम होया, 1 से 1.5 बजे तक इतने मुस्तैद जी पुलिस रहनी चाहिए क्योंकि मेहंदी लगाने का प्रोग्राम चलता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, 1:15 बजे तक 1:30 बजे तक तो लोग वैसे ही तुरे फिरते जी, बिल्कुल मैं इतों रात 11 बजे तो मैं ही गया जी। ओके ASI हरप्रसाद थाना सिटी कपूरथला, चोरी हुई है, देखो जी सानू इनफॉर्मेशन मिली सुबह 7:30 बजे तकरीबन,
ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹੀ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਵਾ ਅਤੇ ਦੋ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੇਨ ਚੌਂਕ ਆ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ PCR ਦਾ ਨਾਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ, PCR ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ PCR ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਰਾਊਂਡ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟ ਦਾ ਮੀਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਾਦਰ ਮੈਂ ਛੱਡੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮਾਨ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਆ, ਆਪਾਂ PCR ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ PCR ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਅਜੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਟਰੇਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਕਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਜੀ।